महामारी से बचाव के लिए जलालपुर प्रखंड में सैनिटाइजेशन का कार्य शुरू कर दिया गया है। जदयू महिला जिलाध्यक्ष माधवी सिंह ने कहा कि जलालपुर प्रखंड की सभी पंचायतों में प्रत्येक दिन अलग अलग गांव में सैनिटाइजेशन का कार्य किया जाएगा। सैनिटाइजेशन से महामारी फैलने का खतरा कम होता है। मुखिया द्वारा पंचायत में छिड़काव के सवाल पर जिलाध्यक्ष माधवी सिंह ने कहा कि मेरी पंचायत में मुखिया द्वारा सैनिटाइजर का छिड़काव नहीं कराया गया है, लेकिन छिड़काव कराने के लिए मुखिया द्वारा प्रयास करने की बातें रही। D11 TV के लिए जलालपुर से अमित कुमार की रिपोर्ट। कि जलालपुर प्रखंड के अंतर्गत जितने भी पंचायत हैं, जैसे 15 पंचायत हैं, उसके प्रत्येक गांव में इनको सैनिटाइज करना है, वहां कोरोना जांच का शिविर लगाना है ताकि लोगों की जो परेशानियां हैं कोरोना जैसे से उससे निजात पा सके। इसकी शुरुआत इन्होंने आज हमारे बसडीला गाँव से ही शुरुआत की है। इनको हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा। ये जहाँ जहाँ जाएंगे ये हमारे साथ रहेंगे और आज इनकी शुरुआत इन्होंने बसडीला गांव से किया। कितने दिनों में ये अपना काम करेंगे और ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। कोरोना को लेकर मैम पंचायत के मुखिया को भी ऐसा काम मिला हुआ था कि उन लोगों को सैनिटाइज करना था, क्या आपके गांव में सैनिटाइज का काम हुआ? देखिए, सैनिटाइज का काम तो अभी नहीं हुआ है मुखिया जी की तरफ से, लेकिन वो कोशिश उनकी प्रयास लगातार जारी ही है। मास्क वगैरह उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था, लेकिन आज इन लोग की तरफ से ये आया गया है। जैसे पंचायत थ्रू सैनिटाइजर का काम मिला है। मेरा नाम जयनाथ पांडे है, मैं सुपरवाइजर हूँ। 5 छिड़काव कर्मी हैं, हम लोग को पंचायत में छिड़काव करना है।